न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल मैं खड़ा हूं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा खेतिया पर, जहां कुछ देर पहले खेतिया से जाने वाला सारा परिवहन बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश शासन के बड़वानी जिला कलेक्टर के आदेश में खेतिया से अंतर प्रांतीय परिवहन प्रारंभ रखने के निर्देश हैं। इस बीच में कोई जिम्मेदार ये बताने को तैयार नहीं है कि ये सीमा को किस कारणों से बंद कर दिया है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की ये सीमा अंतर प्रांतीय परिवहन के लिए जानी जाती है। महाराष्ट्र में नंदुरबार कलेक्टर द्वारा दोपहर 1 बजे के बाद में सामान्य परिवहन जरूर कायम रखा है, जिसकी बदौलत एक तरफ महाराष्ट्र में ढेर सारे वाहन इकट्ठे हैं, दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भी वाहन इकट्ठे हो गए हैं। यह समझ से परे है कि किस आदेश के तहत इसको बंद किया है। हमारे जो सीमावर्ती जो जिला है नंदुरबार, यहाँ 15 तारीख के लिए 1 बजे के बाद से लॉकडाउन लगा है। तो उस लॉकडाउन के चलते वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश है कि जब वहाँ लॉकडाउन लगा है नंदुरबार ज़िले में, तो यहाँ से वहाँ किसी के जाने का कोई औचित्य नहीं है, ना वहाँ से यहाँ किसी के आने का औचित्य है। इसलिए ये शहादा से खेतिया शहादा वाला जो मार्ग है, इसको बंद किया गया है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा अब से कुछ देर पहले अचानक ही बंद कर दी गई है। आज मध्य प्रदेश में हाट बाजार का दिन है। महाराष्ट्र से इस तरफ आने वाले कई नागरिक इस तरफ रुके हुए हैं, जिन्हें उस तरफ जाने की अनुमति भी शासन नहीं दे रहा है। हमारे साथ उपस्थित है खेतिया शहर के नगर पंचायत के पार्षद अनिल जी चौधरी। आज अचानक बंद की हुई बॉर्डर को लेकर आप अपनी बात कहना चाहते हैं, बताइए अनिल जी चौधरी। आज अचानक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा को बंद कर देना, जनता की आवाजाही को रोक देना, किसानों का माल, किराना की सामग्री, खाद्य सामग्री, ये तमाम चीज़ें रोक देना, क्या इससे मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी? माननीय कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार खेतिया एवं बिजासन घाट की 2 बॉर्डर शुरू थी, जिसमें जाँच करके आना जाना आवाजाही शुरू थी, परंतु आज अचानक बिना किसी सूचना के बॉर्डर को सील कर देना, इससे आम जनता काफ़ी प्रभावित हो रही है, काफ़ी परेशान हो रही है। और आज खेतिया में बाजार का दिन था, जिसे हाट बाजार कहते हैं, काफ़ी परेशान लोग, अभी ये स्थिति है यहाँ बॉर्डर की कि उधर भी लोग खड़े हैं और इधर भी लोग खड़े हैं, काफ़ी परेशान है। सरकार से निवेदन है कि इसको तत्काल खोला जाए।